चलें हम स्टार्ट करते हैं वीडियो टैग से कि वीडियो टैग क्या होता है। तो जैसे कि हमारे पास ऑडियो टैग है, उसी तरीके से हमें वीडियो टैग मिलता है। और वीडियो टैग की मदद से हम जो है अपने वेब पेज के अंदर वीडियोस या मूवी क्लिप्स वगैरह ऐड करवा सकते हैं। द वीडियो टैग कंटेन्स वन और मोर सोर्स टैग विद डिफरेंट वीडियो सोर्सेज। जैसे कि ऑडियो टैग के अंदर भी हम क्या करते हैं, सोर्स डिफरेंट सोर्सेज डिफाइन करते हैं। जैसे कि कुछ ब्राउज़र जो है वो MP3 को सपोर्ट करते हैं, कुछ ब्राउज़र OGG को सपोर्ट करते हैं और कुछ वेब को। इसी तरीके से वीडियो टैग के अंदर भी हम एक से ज़्यादा सोर्सेज डिफाइन करते हैं, क्योंकि डिफरेंट ब्राउज़र डिफरेंट टाइप ऑफ आपके पास फाइल फॉर्मेट्स को सपोर्ट करते हैं। दैट ब्राउज़र विल चूज़ द फर्स्ट सोर्स एट इट्स सपोर्ट्स। तो ब्राउज़र क्या करेगा, जो जो सोर्स ये सपोर्ट करता है उसको सबसे पहले सेलेक्ट करके आपके पास प्ले कर देगा। तो यानी अगर आप एक वीडियो लगा रहे हैं तो उस वीडियो को भी आपने हर फॉर्मेट में प्रोवाइड करना है। वो कौन कौन से फॉर्मेट है अभी हम देखते हैं। द टेक्स्ट बिटवीन दी वीडियो, जैसे कि आपके पास ऑडियो के अंदर होता है कि जो भी टेक्स्ट आप वीडियो के टैग के दरमियान लिखेंगे, तो अगर आपकी वीडियो अवेलेबल नहीं होगी तो वो टेक्स्ट यहाँ पर अपेयर हो जाएगा। ठीक है, देयर आर थ्री सपोर्टेड वीडियो फॉर्मेट्स इन HTML। आपके पास तीन फॉर्मेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिसमें से एक है MP4, WebM और OGG। ठीक है, वेब वीडियो के ये तीन फॉर्मेट हैं जो आपके पास सपोर्ट करते हैं HTML के अंदर। और म्यूजिक के जो ऑडियो के हैं वो कौन कौन से हैं, MP3, OGG और वेव। ठीक है, तो उसको बनाने का तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि हम ऑडियो टैग को यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक ऑडियो टैग वी यूज़ वीडियो टैग। बट जब हम वीडियो टैग को यूज़ करते हैं तो वीडियो टैग के साथ हम विड्थ और हाइट भी डिफाइन करते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखें अगर हम कोई वीडियो उठाएंगे और लगाएंगे तो हर वीडियो का साइज जो है ना वो ज़्यादा भी हो सकता है और बहुत कम भी हो सकता है। तो हम विड्थ और हाइट के थ्रू बताते हैं कि वो वीडियो हमें कितने एरिया में दिखानी है। जैसे कि अगर हमें वो बिल्कुल ही शॉर्ट एरिया में दिखानी है, साइड में कहीं दिखानी है, तो हम उसका साइज कम रखेंगे। बट आपको पता है कि आजकल जो वीडियो का साइज है वो ज़्यादा होने लग गया, बहुत मतलब उसकी रेजोल्यूशन क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। तो उसको हमें क्या करना होता है, यहाँ से कंट्रोल करना होता है कि हमारा जो प्लेयर होगा वीडियो का वो कितने साइज में डिस्प्ले होगा। उसके बाद यहाँ पर भी आपको कंट्रोल्स का जो एट्रीब्यूट है वो लाजमी यूज़ करना है। अगर आपके पास कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट नहीं होगा तो ये भी आपको क्या देगा, प्रॉब्लम देगा। ठीक है, तो अब आपके पास कोई वीडियो होनी चाहिए तो वो वीडियो ही आप वीडियो टैग की मदद से डिस्प्ले कराएंगे, कहीं पे भी दे दें कोई इशू नहीं है, बस कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट होना चाहिए। देखिए कंट्रोल, ये जो एट्रीब्यूट्स है ना, इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस ये मौजूद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे सोर्स का जो टैग है वो पहले ही लगाना है और फिर ऑर्डर का बाद, मतलब ये जो कंट्रोल्स है वो सेकंड पे लगाना है, दूसरा वाला थर्ड पे, ऐसा नहीं है। एट्रीब्यूट आपने बनाना है बस। ठीक है, अगर उसको यूज़ करना है तो वो आप तीसरे नंबर पे यूज़ करें, चौथे नंबर पे यूज़ करें, उसका कोई मैटर नहीं होता, आपको सिर्फ उसको यूज़ करना है लाजमी। चल तो हमारे पास कोई ना कोई वीडियो होनी चाहिए, तो अभी मेरे पास कोई वीडियो है नहीं है, काम कर लेते हैं। अगर मुझे कुछ सही है, हमारी एक वीडियो यहाँ पर कंपाइल हो गई है। अब इस वीडियो को मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से अपने HTML पेज में यूज़ करना चाहता हूँ। पहले हम ये वीडियो देखते हैं प्ले करके, तो ये इस तरह की कोई वीडियो हमारे पास आ रही है। अब ये वीडियो मुझे वहाँ यूज़ करनी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं क्या करूँ, जिस फोल्डर में हम काम कर रहे हैं उस फोल्डर में जाके सबसे पहले तो इस वीडियो को क्या कर दें, कॉपी कर दें। उसके लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो है हमें रिलेटिव पाथ ही यूज़ करना पड़े, एब्सोल्यूट पाथ देने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके बाद हम यहाँ से जाते हैं, इसको ओपन करते हैं जो हम जिस फाइल के अंदर काम कर रहे थे। तो यहाँ पर आके सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वीडियो का टैग। और वीडियो के टैग के बाद हमें सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या लिखना है, कंट्रोल्स लिख देते हैं। ठीक है, और अभी देखते हैं कंट्रोल लिखने के बाद, और अभी हम विड्थ और हाइट सेट नहीं कर रहे, और देखेंगे कि विड्थ और हाइट अगर हम सेट नहीं करते हैं तो क्या होता है। उसके बाद हमें क्या यूज़ करना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था हमें क्या यूज़ करना होता है, यहाँ पे सोर्स का जो टैग है वो यूज़ करना होता है। ठीक है ना, तो सोर्स के बाद हमारे पास सोर्स के अंदर भी फिर क्या आते हैं, दो एट्रीब्यूट आते हैं, एक आता है SRC, दूसरा आपके पास आता है टाइप। तो
तो यहाँ पर हमारे पास उसका नाम क्या है, माय वीडियो। अगर हम यहाँ से जाके देखें तो फोल्डर के अंदर हमारे पास जो फाइल मौजूद है उसका नाम क्या है, माय वीडियो डॉट एम पी फोर। तो हम यहाँ पर जाके इसी तरीके से नाम देंगे, माय वीडियो डॉट एम पी फोर के नाम से हमारी फाइल है। और इसकी टाइप क्या है, देखिए टाइप कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप बताएंगे वीडियो स्लैश उसके बाद टाइप का नेम। तो हमारे पास वीडियो स्लैश उसके बाद हम लिख देंगे वीडियो स्लैश एम पी फोर, ठीक है। तो ये हमारी सोर्स डिफाइन हो गई। उसके बाद यहाँ पर आते हैं वीडियो के टैग को हम करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद इसको करते हैं हम सेव। सेव करने के बाद हम इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास यहाँ पर आप देखें तो इसका साइज कितना ज़्यादा है, ये अकॉर्डिंग टू दी वीडियो साइज आया है, ठीक है, जो वीडियो का साइज है। क्योंकि वीडियो जो है वो आपके पास 1080p की जो रेजोल्यूशन है उस पर बनी हुई है, तो इस वजह से ही आपके पास देखें कितनी स्पेस ले रही है। आप इसको प्ले करेंगे, प्ले हो रही है, ठीक है, प्ले करने का कोई आपके पास प्रॉब्लम नहीं है, बट दी प्रॉब्लम इसकी ये बहुत ज़्यादा साइज ले रही है। तो साइज को कंट्रोल करने के लिए फिर यहाँ पर आके हम विड्थ और हाइट सेट करेंगे इसकी, ठीक है। तो हम विड्थ और हाइट, जैसे ऑडियो प्लेयर के अंदर तो हमें पता है कि वो एक ही लाइन में आएगा और वो 100 पिक्सल्स या कम पिक्सल्स लेता है, एक ही लाइन के अंदर आ जाता है, जितने हेडिंग लेता है उतना ही आपके पास स्पेस लेता है। बट वीडियो तो फिर अपने प्लेयर का उसी हिसाब से आपके पास स्पेस लेकर आएगी ना जो आपने वीडियो लगाई है। तो इस वजह से हम विड्थ और हाइट से कंट्रोल करेंगे। हमने कहा हम कर देते हैं यहाँ पर 500 पिक्सल्स, हाइट भी क्या कर देते हैं 500 पिक्सल्स। तो यहाँ पर आके हम विड्थ और हाइट इतनी करके अब इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखें इसका साइज क्या हो गया, कम हो गया, वीडियो आपकी प्ले हो रही है, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसका साइज कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको ये कितने एरिया में डिस्प्ले कराना है। अब अगर आपको विड्थ, आपको हाइट कम लग रही है और विड्थ ज़्यादा लग रही है, तो आप उस हिसाब से ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको विड्थ और हाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो देखें अब ये बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, तो हम इसको जिस तरह से भी वीडियो को यूज करना चाहें अपने अपने वेब पेज के अंदर इंक्लूड करा के यूज कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास ब्राउजर सपोर्ट हमें क्या मिलती है। जैसे कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का जो एज है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसके अंदर MP4 या सारों की सपोर्ट है, सिर्फ एक यहाँ पर आपके पास सारे ब्राउजर, सारे जो आपके पास सोर्स है उनको सपोर्ट करते हैं, बस एक सफारी जो आपका है एप्पल वालों का जो आपके पास सफारी यूज़ होता है ब्राउजर, उसके अंदर आपकी OGG की सपोर्ट नहीं है, ठीक है। बाकी सब ब्राउजर पे आप MP4 भी रन करा सकते हैं। देखें एज पे भी सपोर्ट है, क्रोम पे भी सपोर्ट है, फायरफॉक्स पे, सफारी पे, ओपेरा पे, ये सारे आपके ब्राउजर जो है ना MP4 को सपोर्ट करते हैं। सो बेसिकली आपको और कोई जो है ना वीडियो को और किसी सोर्स में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप MP4 यूज़ करते हैं। क्योंकि देखिए सफारी हो गया, सारे हो गए, ये सब के सब आपके पास क्या कर रहे हैं, MP4 को सपोर्ट करते हैं। बट अगर आपकी कोई ऐसी फाइल है जो कि OGG फॉर्मेट में मौजूद है, किसमें, OGG, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि वो सफारी पे भी रन हो तो आपको उसको MP4 में कन्वर्ट करके उसका भी सोर्स देना पड़ेगा, वरना वो सफारी वाले ब्राउजर पर रन नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स मिलते हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि सबसे पहला है ऑटो प्ले। तो ऑटो प्ले हमने ऑलरेडी ऑडियो के अंदर कवर किया था कि ऑटो प्ले का आपके पास जो कंट्रोल है वो क्या करता है, वो आपके पास ये करता है कि अगर हम चाहते हैं कि जैसे ही हम पेज को लोड करें तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो प्ले हो जाए, तो आप वहाँ पर एट्रीब्यूट यूज़ कर लेंगे ऑटो प्ले। कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट अभी हमने डिस्कस किया। सिमिलरली उसके साथ हमारे पास हाइट, अगर हम उसकी वीडियो प्लेयर की हाइट सेट करना चाहते हैं तो हम हाइट बढ़ा देंगे। अगर हम क्या करना चाहते हैं, लूप करना चाहते हैं, जैसे कि आपकी वीडियो एक दफ़ा प्ले हुई और चलती रहे बार बार, तो हम वहाँ पर लूप लगा देंगे। सोर्स, अगर हमें कोई स्पेसिफिक URL लोड कराना है, जैसे कि YouTube की कोई वीडियो प्ले करनी है यहाँ पर, तो फिर हम क्या करेंगे, सोर्स का कंट्रोल, जो सोर्स का एट्रीब्यूट है वो वीडियो के अंदर ही दे देंगे, वीडियो के टैग के अंदर। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है विड्थ। तो मैं बताता हूँ अभी, ये वाला जो ये जो है ये एट्रीब्यूट है,
वो उसके अंदर एक टैग है। अगर आप अपने पास से वीडियो लोड करवा रहे हैं अपने फाइल से तो फिर आपके पास वो वाला टैग यूज होगा, बट अगर आप किसी यूआरएल से लोड करवा रहे हैं तो फिर आपके पास ये वाला सोर्स यूज होगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर इसकी विड्थ सेट करना चाहें तो जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि आप विड्थ और हाइट क्या कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं।